काफ़ी सुस्ती के बाद आपका भाई रेडी हो गया है। अब करता हूँ नाश्ता, देखते हैं नाश्ते में क्या है। नाश्ते में है आज चाय और पराठा। तो बस अभी नाश्ता करता हूँ और नाश्ते के बाद आपसे मिलता हूँ। फ्री में नाश्ता तो कर लिया, लेकिन उसके बदले मुझे भी तो काम करना है ना, और वो काम ये है कि मुझे लेना है घर का सामान। घर का सामान तो वैसे भी रोज़ मैं ही लेता हूँ, तो फटाफट से चलता हूँ सामान लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। यार घर के तो सारे अभी काम कर लिए, लेकिन अभी टाइम देखा 1:30 हो रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया, तो बस जल्दी से जाता हूँ नमाज़ पढ़ने, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। यार नमाज़ पढ़ के तो घर पहुँच गया, लेकिन आपको पता है भाई के काम ख़त्म ही नहीं होते, तो घर वालों ने बोला कि फ्रूट लेके अब दोबारा जा रहा हूँ बाज़ार फ्रूट लेने। ये है मेरी छोटी खाला का बेटा, अरे टाटा कर, टाटा चो टाटा। भाई अभी सामान वगैरह ले लिया, नमाज भी पढ़ ली, फ्रूट भी ले लिया, हर चीज़ कर ली, अब लगी है बहुत ज़्यादा भूख, तो खाता हूँ खाना उसके बाद। A few moments later. हाँ तो भाई खाना वगैरह खा लिया और सोचा कि थोड़ा रेस्ट करूँ, लेकिन ये हमारे भाई साहब जो पड़ोस में रहते हैं, इन्होंने भी कॉल की मुझे, बोला यार घर का सामान देना है मार्केट में, तो चलो मेरे साथ। तो बस अभी बाइक निकाली है और जा रहा हूँ उनके साथ। यार व्लॉग में जो है ना डेली रूटीन बदलती है, बतानी पड़ती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, और ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, इनका नाम है राजू, हम उनको प्यार से बुलाते हैं माइटी राजू। तो अनीस भाई चलें फिर। चल तो रहे हैं यानी। हाँ तो भाई काम वगैरह सारे निपटा लिए और अभी पहुँच गए घर वापसी, तो अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रेस्ट करूँ। यार रेस्ट क्या आधा घंटा, तो अभी उठा तो नमाज का टाइम हो गया था, तो अभी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि यार मौसम ठंडा है, तो सोचा बाइक पे क्यों जाएं, पैदल ही चलते हैं। और आज के व्लॉग में हमारे जो खास मेहमान है ना, वो है अनीस आलो। तो वैसे भी हमारे घर से मस्जिद का रास्ता है ना, वो तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है पैदल अगर आप जाएंगे तो, बाइक पे तो 1 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आप पैदल भी जाएंगे तो भी 5 मिनट का रास्ता है। तो बस मस्जिद में तो पहुँच गए और नमाज़ में बाकी 5 मिनट हैं, तो फटाफट जाएंगे वजू करेंगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद मिलेंगे। तो भाई नमाज़ पढ़ के घर आ गए थे, अभी माइटी राजू भाई साहब ने बोला कि बैडमिंटन खेलते हैं, तो बस स्टार्ट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कुछ शॉट्स हमारे। यार बैडमिंटन खेली, उसके बाद मैं गया था नमाज पे, क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया था, नमाज का टाइम हो गया था, तो नमाज़ पढ़नी थी। नमाज पढ़ने के बाद मैं घर आया, उसके बाद चाय वगैरह पी और मेहमान कुछ आए थे, तो अभी टाइम हो रहा है 7:05, तो इस लोग को दर एंड नहीं करते भाई, अभी मुझे जाना है किंजर। किंजर मुझे क्यों जाना है, क्योंकि किंजर में है एक फेयरवेल पार्टी, तो बस अभी किंजर जा रहा हूँ अबू के साथ, तो आपको सीधा वहाँ में मिलता हूँ। तो गाइज अब हम किंजर पहुंच गए हैं, अभी हम जा रहे हैं अंदर, आपको भी व्यू दिखा रहे हैं अंदर क्या माहौल है क्या सी। अस्सलाम वालेकुम, अज असा जो प्रोजेक्ट है मोहतरम डायरेक्टर साईं असुलख शाह जो हिंसा रिटायर थे उनकी मान में फेयरवेल पार्टी रखी हुई है किंजर किनारे, जैमें मास्टर मुराद हाई स्कूल टीचर है, मुझे फजल मोहम्मद शिराज बिहार सब साथी वेठा इस गुस प्रोग्राम में शरीक करीब महफिल मौसीकी शुरू थे वाली है, जैमें मांझी फ़कीर पेंे सुरीले आवाज़ से अस दिलन के जुमाइ इंशाला तला प्रोग्राम शुरू थी मज़ो पे अच्छे इंजॉय किंजर जो किनारो हो महफिल सुी हो मू हो भली महफिल भला मू भली आया यो जो कॉन्सेप्ट हुए ढो मज़ो अचे तो मूल में उर्दू अज भी गाइज उर्दू भी हम बोल सकते हैं, हमारे दोस्त बैठे हैं हमीद मेहरानी आगे बैठा है, उसको थोड़े कवर करो। काशिफ साहब भी बैठे हैं, काशिफ भाई बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू?
हम अभी जो है कि अमीर उस्मान साहब हमारे जो है बहुत अच्छे प्यारे दोस्त थे और उनके ये फर्जंद हैं, हम सब आए हैं अभी। हमारे एक फेयरवेल पार्टी है डायरेक्टर रसूल बख्श शाह जो हमारे डायरेक्टर साहब थे उनकी मान में हमने जो है पार्टी की हुई है, और हम जो है अभी सारे जो है अपनी कलीग के साथ आए हुए हैं, हमारे सारे दोस्त बैठे हुए हैं। ये सारे जो है कि अभी प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों के साथ, इंशाल्लाह चलते रहिए। थैंक यू। छठे सामू जो उन हवाले से उन जमाने का मोहब्बत जो तालक है जहाँ इतने जैसे ट्रेनिंग वरती हिड़ो तसलसल है जो हलन तो हल इंशाल्लाह हल रो इन जो असो मौत ही जिंदगी के साथ कोई तालक को यार महफिल तो अभी चल रही है, लेकिन हम अभी आए खाना खाने, भूख लगी थी तो अभी खाना खाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी सा प्रोग्राम असन जे पुजारी तरफ अनि पोतो आने हमारा एक बहुत ही अच्छा टीचर और अच्छे आवाज का मालिक है भाई सलमान जाफर साहब, जो आपको संजय का कलाम सुनाएगा निमत की छांव में। प्यार चूंगा लड़ियों निमजी छांव में, के गुजारूं घड़ियों निमजी छांव में, प्यार चूंगा लड़ियों निमजी छांव में, के गुजारूं घड़ियों निमजी छांव में। जबरदस्त जबरदस्त। तो गाइस हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, खाना वगैरह खा लिया है और एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, तो उस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो हमारा फेसबुक पेज है उसको ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।